वेलकम है जी, लाइव विद मोहित स्टार्ट हो चुका है। हर बार की तरह थोड़ा सा लेट, 5 मिनट लेट हुआ बस। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे घड़ी पे टाइम है 9:05 और 9:05 पर एग्जैक्ट तुम्हारा मोहित लाइव आ चुका है और मुझे पहला हाय आया है निश्चय चौधरी का। हेलो निश्चय चौधरी, हाय निशु मंगल, हाय हरिता शाह, हाय विजंती माला मेहरा, हेलो तान्या, विजंती माला मेहरा कह रही कैसे हो। शायद उनका हो भी आने वाला था पर वो हो मिस हो गया। हाय अली जान अलीफा कुरेशी, हाय आकाश गुप्ता, हेलो पार्वती भूषल, हाय पंगत सोहया, हेलो रुचि कश्यप, हाय योगेश मेहरा, हेलो बीजल पटेल, हाय काजल पशीने, हेलो अखिल श्रीवास्तव। अखिल श्रीवास्तव का भी कमेंट आ रहा है। तो धीरे धीरे अपन सब लाइव आ रहे हैं, अपन सब आ जाओ। हाय निकिता गुहे, थैंक यू निकिता। हेलो पाप्या वैद्य सृष्टि भारती, अनिकेत रॉय, हाय अनिकेत रॉय, थैंक यू अनिकेत भाई। अनिकेत ने कहा योर सॉन्ग्स आर वेरी नाइस, थैंक यू ब्रो। निष्ठा चौधरी, मुझे भी कभी रिप्लाई दे दो, हर बार बस निश्चय चौधरी। चौधरी जी कैसी हैं आप। श्रद्धा श्रीवास्तव कह रहे हैं हे मोहित हाउ आर यू, मैं एकदम अच्छा हूँ। श्रद्धा निशु मंगल कह रहे हैं ओ वाओ आई एम सो हैप्पी, पहली बार सर ने मेरा नेम लिया। मुझे शायद आपका अभी कमेंट दिखाना इसलिए। गौरव श्रीमाली कह रहे हैं हाय यार कैसे हो मोहित ब्रदर, एक सॉन्ग तो सुनाओ प्लीज, लव यू अ लॉट। बिल्कुल ब्रो, एक क्यों, बहुत सारे सॉन्ग सुनाएंगे। आप सब पहले लाइव तो आ जाइए, आप सब एक एक कर अभी लाइव आ जाइए, फिर अपन बातें शाते शुरू करेंगे। यो आकाश गुप्ता कह रहे हैं आपकी गाड़ी तो बहुत मस्ती है ना, पर यार मुझे छोड़कर आनी पड़ी उस गार्डन में ही, पता है। दर्शन कह रहे हैं, दर्शन कलाल कह रहे हैं हेलो भाई कैसे हो, मैं एकदम अच्छा हूँ दर्शन, आप कैसे हो। हर्ष जय बोरा कह रहे हैं हाय भाई कैसे हो, मैं एकदम मस्त हूँ हर्ष। शुभी शुभम ब्लिजवान कह रहे हैं हाय मोहित, हाय शुभी शुभम, जुबी जुबम लिखा हुआ है इन्होंने, एक्स एस की जगह एक्स लिखा हुआ है। शिवांजलि वर्गी आई एम नॉट वेल टूडे सो कांट So won't be able to continue with you in today's live chat. कोई बात नहीं शिवांजलि, तू जाके रेस्ट कर ले। नील पटेल हेलो मोहित भैया, बहुत क्यूट हो और मेरा बर्थडे मंथ है ये याद दिए। बिल्कुल नील पटेल, आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे यार। हेतल गोहिल कह रहे लव यू डियर, योर ऑल सॉन्ग्स आर माइंड ब्लोइंग, थैंक यू। प्रिया बजाज कह रहे हाय आई एम इन लव विद योर स्माइल, थैंक यू यार प्रिया, थैंक यू। तो अभी अभी तुम सब लाइव आ चुके हो, तो मैं बताता हूं अभी मैं क्या कहूं। अभी यार मेरी ना बहुत ही अभी इंटरेस्टिंग सी बात चल रही है कि मेरे जो मतलब रियल ब्रदर है ना रोहन, वो अभी है ना मुंबई आए हुए हैं मेरे साथ में। तो अभी मैं मतलब पूरे टाइम हम दोनों साथ में मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त खेता भी यहाँ मुंबई आया था, तो हम उसके साथ भी घूमने गए थे बहुत सारी जगह पे, और मतलब ऐसा बस घूमना हुआ इस वाले वीक में, तो ज़्यादा कुछ और हुआ नहीं। और मैंने एक नया सॉन्ग और बनाया है पर वो मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, तुमको बाद में सुनाऊंगा। और गाना तू गाले के साथ में एक और सॉन्ग पर भी वर्क चल रहा है जिसका नाम है वहीं, तो ये एक और अच्छी सी खबर है, वहीं का भी वर्क शुरू हो चुका है, तो वहीं पर भी अभी वर्क चल रहा है। और ऐसा करके ये थोड़ी थोड़ी बहुत अपडेट्स हैं, पर इस हफ्ते मेरे पास बहुत थोड़ी सी अपडेट्स है तुम सबको देने को। एक और मेजर अपडेट है पर वो जब कन्फर्म हो जाएगी तब मैं तुम सबको बताऊँगा, वो थोड़ा सा कन्फर्म होने थोड़ा टाइम है, फिर वो जब पता चलेगा तो और मज़ा आएगा, उसकी अपन स्पेशल लाइव चैट करेंगे। तो ना मेरा तो ऐसा कम था मतलब बताने का, अभी तुम्हारी बारी है बताने की तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। हर बार तुम बताना छोड़ देते हो, हर बार तुम बताना भूल जाते हो, या तो मैं कमेंट देख नहीं पाता हूँ। तो अभी अपन आज तुम्हारी बात करेंगे, तो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है एकदम बिंदास होके बता दो मेरे को, ठीक है। अब जब तक तुम ये बताओगे, जब तक तुम्हारे ये जो कमेंट तुम अभी करोगे वो मेरे पास आएंगे, तब तक मैं तुम्हारे अभी वाले कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब
कमेंट्स आने में थोड़ा सा डिले रहता है। तो रुचि द्विवेदी कह रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन योर सॉन्ग। बिल्कुल रुचि, मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ यार तुम सबको वो सारे सॉन्ग सुनाने के लिए जो भी मैं तैयार कर रहा हूँ तुम सबके लिए। वंशिया त्रिशला कह रही है एटलीस्ट आज तो बता ही दो कि जो मैंने मीट एंड ग्रीट में गिफ्ट दिए थे वो कैसे थे, मैं कब से पूछ रही हूँ यार प्लीज बताओ ना। बहुत प्यारे थे वंशिया त्रिशला। अरे मीट एंड ग्रीट से कुछ याद आया मुझे, मीट एंड ग्रीट मैंने जब मीट एंड ग्रीट रखा था ना जयपुर में, तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमने सेशन रखा था जिसका नाम था क्वेश्चन एंड आंसर ऐसा कुछ हमने किया था। तो उसमें क्या था कि तुम कोई भी क्वेश्चन पूछते थे वहां पे मीट एंड ग्रीट में ना, जितने भी लोग आए थे वो कोई भी क्वेश्चन पूछते थे, मैं उसका आंसर देता था। तो तुम सब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन तुम चाहो तो। मतलब अभी तो तुम अपने बारे में बताओगे वो तो अपन बात करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कुछ भी तुम्हारे मन में हो, कभी भी रहा हो, तो कोई भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो उर्मिला परियार कह रहे हाउ आर यू मोहित, मैं एकदम अच्छा हूँ उर्मिला। निकिता कह रहे हैं हम भी ईगर हैं सुनने के लिए सॉन्ग्स। बिल्कुल निकिता। और राज गोस्वामी कह रहे हैं मोहित भाई आपका वो वीडियो मस्त है जो आप इकतारा मैच परफॉर्म किए थे। थैंक यू राज भाई, वो मैंने BIT में परफॉर्म किया था, BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब मैं कॉलेज के शायद थर्ड ईयर में पढ़ता था मैं। तो अभी हर्षिता गुप्ता बता रहे हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड गुस्सा हो रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे मनाऊं। गाना सुना दे हर्षिता, या उसको जो भी पसंद हो वो कर दे उसके लिए। मिंकू मुकेश, अच्छा नहीं इसके लिए ना जानना जरूरी है कि वो गुस्सा क्यों है, अगर वजह पता चल जाए तो शायद कोई सोल्यूशन बता सकूं। मिंकू मुकेश सिंह कह रहे हैं आपको देख के रोता हुआ भी हंसने लगे, आप ऐसे ही हो। थैंक यू यार मिंकू भाई, थैंक यू। निष्ठा चौधरी कह रहे हैं मेरा अभी बर्थडे गया 29 सितंबर को, अब मैं बीमार थी उस दिन तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई, अब सोच रही हूँ दर्शन रावल और अपना बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट कर लो बिकॉज मैं आपकी और दर्शन की फैन हूँ। क्या बात है निष्ठा, ये तो मतलब बहुत ही प्यारी बात हो जाएगी यार, पक्का साथ में उसके सेलिब्रेट करना, ठीक है। राज बंसल कह रहे हैं ब्रेकलेस सॉन्ग इज मोस्ट फेवरेट, ब्रेकलेस या ब्रेथलेस शायद वो लिखना चाहते थे, उनका ब्रेकलेस लिख दिया गलती से। तो आशीष आकर है वाई कांट यू रिप्लाई मी ब्रो, क्योंकि आशीष मुझे आपका कमेंट अभी दिखा, आपका कमेंट शायद स्क्रॉल अप हो गया होगा पहले इसलिए मुझे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया होगा ऐसा। तो गौरव श्रीमाली कह रहे तो कब आ रहे हो अहमदाबाद, बोलो मोहित यार, आई होप जल्दी आऊं ब्रो। ओके सोनाक्षी जुलगा कह रही है आपकी मेरी से कोई दुश्मनी है क्या, आप मुझे कभी रिप्लाई दे। अच्छा ऐसा नहीं है सोनाक्षी यार, अभी तो मैंने देखा ही आपका कमेंट तो मैं अभी रिप्लाई कर पा रहा हूँ। सनी साक्षी कह रहे हैं इट्स माय फर्स्ट टाइम टू टेक्स्ट यू, यू आर रियली वेरी स्वीट वॉइस एज यू आर, थैंक यू यार। और अच्छा तो अभी ना क्वेश्चन आंसर एक सेशन अपन रखते हैं, ठीक है, कि मतलब तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी इच्छा तुम्हें कुछ भी जानना हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी बारे में तो तुम पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसकी जितना अच्छा हो सके उस उतने अच्छे से आंसर देने की। कोई भी क्वेश्चन, जीके का मत पूछना, अपन KBC नहीं खेल रहे तो मुझसे कुछ मुश्किल सवाल मत पूछना, कुछ भी पूछ सकते हो जो भी अगर तुमको, चलो मुश्किल भी पूछ लो यार, गलत ही तो जवाब दूंगा, पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है, KBC खेलो अभी। और NRS मेरा बहुत ही प्यारा और पुराना दोस्त आ चुका है अपने एक ही नए नवेले वाहियात घिसे पिटे क्वेश्चन के साथ में, बोलो बोलो पेंसिल, फिर वो बोलेगा तेरी शादी कैंसिल, जाना NRS कोई नया राइम लाया, तू तो रैपर है साले। तो ना स्वाति कह रही है हाय मोहित भैया यू आर वेरी स्वीट प्लीज टेल माय नेम, हाय स्वाति। और मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछना चाहते तो भी कोई बात नहीं। तो तानिया गिरी कह रही बताओ ना कोलकाता कब आओगे, मैं कोलकाता कब आऊंगा यार, जब भी शो होएगा कोलकाता में तो जरूर आऊंगा, घूमने तो ऐसा नहीं आ सकता हूँ, ऐसा मेरे को ज्यादा मजा आता है कि मतलब शोज के लिए जब मैं जाता हूँ ना किसी सिटी में तो ज्यादा मुझे मजा आता है, घूमने में मैं बहुत कम जाता हूँ ऐसा। असीम एस के बोल रहे ठीक है बताओ आपकी गर्लफ्रेंड कितना है, एक भी नहीं,
बीजल पटेल कह रही है, पहले तो मैंने आपको दोस्ती के लिए पूछा बट अब लगता है मुझसे दुश्मनी करोगे क्योंकि रिप्लाई तो देना ही नहीं है। अरे मेरे को अभी दिखाना तेरा कमेंट बीजल। शशि कह रहे हैं, हाउ कैन आई गेट योर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अ लाइव कॉन्सर्ट। शशि भाई डायरेक्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको कॉन्सर्ट कराना है तो आप पेज पर एक नंबर है जो मेरे मैनेजर का नंबर है, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो एनी टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा लेट नाइट मत करना, वो सो रहे होंगे ऐसा। और अनिरुद्ध त्रिपाठी कह रहे हैं, हाउ आर यू मोहित। अनिरुद्ध भैया मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हो भैया? अनिरुद्ध भैया मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, और अभी उन्हीं के एक बहुत प्यारे दोस्त विशु भैया जो जो भी मेरे सीनियर थे उनसे ही मैं मिला था अभी थोड़ा टाइम पहले जयपुर में। और अभी विशु भैया बहुत एक अमेजिंग इवेंट करने वाले हैं जिसके बारे में तुम सबको डिटेल में बताऊंगा। अभी एक बार फोन थोड़ा सा चार्जिंग में लगा लूँ। तो नेहा कह रही है, नेहा वल्थारी कह रही है, मैंने आज आपको पहली बार कमेंट कर रही हूँ बट आपके सॉन्ग बहुत पसंद है, कपकेक सॉन्ग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत क्यूट हो आप, लव यू। थैंक यू नेहा वल्थारे, थैंक यू। और क्वेश्चन, हाँ सिद्धांत जीना कह रहे हैं, मोहित भाई आपका फेवरेट गेम क्या है? तो सिद्धांत मुझे ना मतलब बहुत सारे गेम्स वैसे पसंद है, लेकिन मेरा एक फेवरेट अगर मैं कहूँ ना, स्कूल टाइम से मेरे को वॉलीबॉल बहुत पसंद है। वॉलीबॉल मतलब मेरा फेवरेट गेम था, और मेरे पास वैसे सब्जेक्ट तो स्कूल टाइम में साइंस मैथ्स बायोलॉजी थे, लेकिन मैं मतलब वॉलीबॉल वॉलीबॉल खेलने के लिए मैथ्स का पीरियड बंक कर देता था, क्योंकि मैथ्स 2 बार होता था, तो जो हमारे सर थे माथुर सर, तो उनका एक पीरियड में अटेंड करता था और एक पीरियड में बंक मार के वॉलीबॉल खेलने जाता था, क्योंकि मुझे वॉलीबॉल बहुत बहुत पसंद है। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? निशांत कह रहे हैं, भाई और बेस्ट सॉन्ग वॉज दैट मिल्खा वन यू सैंग, एक बार सुना दो भाई अभी प्लीज, नाम याद नहीं आ रहा भाई पर एक बार गाड़ी प्लीज। यार वो गाना तो बहुत मतलब थोड़ा हाई पिच का थोड़ा सॉन्ग है, लेकिन अभी मतलब उसको गाने की फील नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए गाऊंगा। यार वो तो बहुत हाई है, रुको। हो अरे यार वो बहुत हाई है। तू जाग अब तू जाग मिल्खा, तू है आग अब है तू आग मिल्खा। यार उसकी फील ही अलग है यार, अभी मैं उस वो फील में आना पड़ता है पूरा, उस एग्रेशन में, उस पावर में, उस जोन में आना पड़ता है उस गाने को गाने के लिए और निभाने के लिए। तो अभी मैं वो जोन में नहीं हूँ, मैं अभी एकदम थोड़े लाइट से और थोड़ा हैप्पी हैप्पी मूड में हूँ, तो शायद अभी मैं वो नहीं गा पाऊंगा आपके लिए ब्रो, रिली सॉरी निशांत भाई, लेकिन किसी दिन जरूर गाऊंगा एकदम फुल मूड में। कोई और आप पूछ सकते, कोई और गाना थोड़ा हैप्पी हैप्पी सा कुछ ऐसा, अभी ऐसा फील का चलेगा मुझे अभी। तो प्रियंका महाजन कह रही है, हाय मोहित आई लव योर सॉन्ग, थैंक यू प्रियंका। यतेंद्र पाल कह रहे, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डूड। तो मतलब केबीसी, मैंने मजाक में कहा था कि तुम केबीसी खेल सकते हो मेरे साथ में, तुमने तो वाकई में शुरू कर दिया। भाई मुझे ना जी के थोड़ी सी कमजोर है, तो मुझसे कोई और सवाल, या फोनो फ्रेंड लाइफलाइन यूज कर सकता हूँ मैं, ऑप्शंस तो दो 50-50 कुछ तो लाइफलाइन यूज करने दो मेरे भाई। और प्रिया नागपाल कह रही है, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम वेयर यू लर्न म्यूजिक। प्रिया मैंने ना बहुत सारी जगहों से म्यूजिक लर्न किया है, मतलब क्योंकि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाया मैं कभी अच्छे से, तो मेरे को जहाँ से जो भी मेरे जो भी जिनसे भी मैं सीख पाता हूँ, उन सबसे मैं म्यूजिक सीखता था। मेरे नाना जी से सीखता था मैं ना, फिर बाद में मैंने मधु भट्ट तैलंग जी से सीखा, उसके बाद में मैंने ताले गावकर जी से सीखा बहुत टाइम तक, और अभी मैं रिसेंटली मुंबई में कुलदीप सर से सीखता हूँ। तो नील पटेल कह रहे कितना क्यूट है, थैंक यू भाई। और कोई और भी क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा हूं तो पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। रोशनी दिपेश नंबियार कह रहे हैं, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर माय हबी प्लीज। कौन सा सॉन्ग रोशनी बताओ? चलो अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारे हस्बैंड के लिए चलो कुछ गाता हूँ, है ना, मेरी मेरे मेरा कोई गाना।
तो उनके लिए कौन सा गा सकते हैं अपन? वो गा सकते हैं कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी से आवाज दूं, कि कहते जिंदगी में आई कैसी क्रेक है, कह लो कुछ भी तुम मेरे कप केक हो, ऐसा करके। मतलब तुम तो कह सकते हो, जब भी कभी झगड़ा वगड़ा हो ना तो तुम तो उनको कह दिया करो, कह लो कुछ भी तुम मेरे कप केक हो। सिंपल, अपन ने हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन की तरह बनाया था ये गाना। तो शीला शर्मा के लिए लॉर्ड्स ऑफ लव, आई लव यू टू शीला। और कुंज दीपक कह रहे हैं, फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू तू तू। आशीष सिंह कह रहे हैं, व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर, मतलब हु इज योर फेवरेट एक्टर? तो अगर मुझसे पूछो तो मेरे फेवरेट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं मतलब उनका फैन गैंग्स ऑफ वसेपुर से बना, उसके बाद में मैंने उसकी उनकी जिस भी मूवी में एक्टिंग देखी तब से मैं उनका और बड़ा फैन बनता गया बनता गया। तो मेरे फेवरेट एक्टर अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। और भी कोई सवाल आप पूछ सकते हो चाहो तो, नहीं भी पूछना चाहो तो भी कोई बात नहीं। संदीप सोनी कह रहे, भाई तुमने अभी ताले गांवकर जी का नाम लिया था, किन की बात कर रहे हो? वो ताले गांवकर जी हमें है ना मतलब जयपुर में सिखाते थे संदीप ब्रो, और है ना मतलब जयपुर में सिखाते थे, फिर उनका ट्रांसफर हो गया है किसी और सिटी में, शायद तक जैसलमेर में या जोधपुर में, अब वो वहां पे मतलब सिखाते हैं ऐसा। तो यादव शैली कह रहे हैं, आई थिंक सो आपको मेरा प्रोफाइल नेम समझ नहीं आ रहा होगा, माई नेम इज शैली यादव। हाँ यादव शैली मुझे अभी समझ में आया, मतलब तुमने थोड़ा उसमें लिख रखा है ना शॉर्ट फॉर्म में इसलिए। तो इस्माइल पठान ने कहा है, भाई क्या तुमने कभी क्लास में टीचर से आर्गुमेंट किया है? अगर किया हो तो प्लीज शेयर करो प्लीज। अच्छा नहीं ब्रो, मैंने यार कभी है ना, मेरे को याद करने दो एक बार, किसी टीचर से आर्गुमेंट किया है क्या? नहीं मैंने कभी किसी टीचर से आर्गुमेंट नहीं किया। लेकिन मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं मतलब सही लगती थी ना, या कोई मुझे चीज़ नहीं समझ में आती, तो मैं उसको आर्ग्यूमेंट करने से ज़्यादा मैं उसको अपने अंदर ही रखता था, और फिर बाद में उसको सॉल्व करता था अपने आप से, मतलब घर पे बैठ के या उस पर सोचता था ऐसा करके, ऐसा सा कुछ। तो और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? कुछ भी कोई भी क्वेश्चन अगर तुम पूछना चाहो तो, नहीं भी पूछना चाहो तो भी कोई बात नहीं। प्रथम परदेशी कह रहे हैं, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? तो मेरा प्रथम अभी जो फ्यूचर प्लान है ना वो ये है कि मुझे, मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मतलब मुझे ना जब से मैंने लाइफ में म्यूजिक आया था मेरी लाइफ में, तब से मैंने, मेरे को यही था कि मेरे को गाने बनाना और लिखना बहुत पसंद था। गाना तो पसंद था ही, पर लिखना और कंपोज करना और भी ज़्यादा पसंद था। तो मेरी ना बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैंने आज तक इन जब से 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए मुझे म्यूज़िक लिखते हुए बनाते हुए, तो मैंने इन सालों में जितने भी मैंने गाने बनाए हैं ना, मैं वो सारे के सारे तुम सबको देना चाहता हूँ। तो ये मेरा अभी सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान है कि मुझे वो सारे जितने भी मैंने गाने बनाए हैं ना, वो सारे के सारे तुम सबको सुनाने हैं। तो उनमें से कुछ ही अभी तुम सबके सामने आए, जिनमें से एक है कप केक और बी माई वैलेंटाइन और मोमा, पर अब ऐसे बहुत सारे गाने हैं, ये तो सिर्फ 3 हैं अभी जो तुमने सुने हैं, ऐसे मतलब 400-500 गाने हैं अभी अपने पास में, और रोज़ाना कुछ, हर हफ्ते हर टाइम कुछ बनता रहता है, नया बनता रहता है। तो मेरी एक इच्छा है कि मैं तुम सबको सारे के सारे सॉन्ग सुनाता रहूँ। तो वही मेरी अभी सबसे बड़ा, वही मेरा सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान है। प्रिया बजाज कह रही है, माई क्वेश्चन इज कि आप शादी कब करोगे? शादी यार तब करूँगा जब शादी के लायक कोई मिलेगी और ऐसा लगेगी कि हाँ यार अब शायद शादी करनी चाहिए। तो मतलब वो ये तो वो फ्यूचर प्लान का पार्ट है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि भाई मेरे को तो गाने बनाने हैं, अभी गाने बनाने हैं खूब सारे, और गाने सुनाने हैं तुम सबको। ज्योति सोनी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, हे कैन यू सी माई कमेंट्स? बिल्कुल ज्योति, मेरे को अभी आपका कमेंट दिखा, बस ये दिक्कत है। लीमा बरुआ कह रहे हैं, फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड है लीमा दाल बाटी। मतलब मैं कब से, मतलब याद ही मेरे को, मतलब जब से मेरे को होश आया ना तब से मुझे पता कि मेरे को दाल बाटी बहुत पसंद है। दाल बाटी मेरा फेवरेट है।
हो कि कैदी जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कप केक है। राशि रस्तोगी का क्वेश्चन है, मेरिट कब आओगे यार, आई वॉन्ट टू सी योर फेस टू फेस एंड वॉन्ट टू पिंच योर चीक्स। अरे यार राशि मेरिट मेरिट आऊंगा यार कभी, आई होप जल्दी आऊं, मजा आएगा। रिया चौधरी कह रहे इतने क्यूट क्यों हो बताओ ना। अच्छा यार ये तो क्वेश्चन का मैं कैसे आंसर दूं इसका, तो यही देखो आंसर हो सकता है यार। तेरे को क्यूट लगता हूं तो देख, तो इसका तो तेरे को ही आंसर पता होगा, मतलब समझे नहीं, किसी को कोई जो जैसे भी लगता है उसी को बताता है कि वैसे उसको वैसा कोई क्यों लगता है। हो सकता है किसी को कोई अच्छा लगता हो, किसी को वही इंसान बुरा लगता हो, तो ये सबका अपना अपना परसेप्शन है। तो तुझे वो कहते हैं ना, बहुत प्यारी सी कहावत है, द ब्यूटी इज इन द बिहोल्ड, द ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। हाँ तो ऐसा कि मतलब तेरे को अगर क्यूट दिखता है ना कोई इंसान, तो वो तेरी वजह से है, तेरे को तेरी तेरी गलती है वो, तो तुझे पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। प्रिया नागपाल कह रहे हाउ टू बिकम फोकस्ड अबाउट पर्टिकुलर फील्ड। आप है ना, मतलब प्रिया आप मेडिटेशन अगर अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दो ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन से हर चीज में, आप कुछ भी लाइफ में आप करना चाहते हो ना, उस सब चीज में आपका फोकस बहुत इंक्रीज हो जाता है, और मतलब उसको आप बहुत ही ज्यादा एनहेंस तरीके से आप किसी भी चीज को कर सकते हो अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करते हो तो। मेरे को 10 साल हो गए मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए, योग करते हुए, तो है ना उससे उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सब अगर जो भी देख रहे हैं, आप कोई सी भी फील्ड के क्यों ना हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप म्यूजिक में हो, आप बिजनेस करते हो, आप पढ़ाई मतलब आप कुछ भी करते हो, लेकिन आप अगर मेडिटेशन अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लेते हो ना, मेडिटेशन टेक्निक्स को या मेडिटेशन को, तो आई 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 कैन गारंटी यू कि उससे आपका फोकस और आपकी ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस में सब में एनहेंसमेंट हो जाएगा। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो काजल अग्रवाल कह रही हैं हे रिप्लाई करो यार। ओके काजल हाय। तो अभी ना मेरी जाने मनो टाइम है जाने का, नेक्स्ट संडे फिर से अपन मिलते हैं, नेक्स्ट संडे फिर से बहुत सारी बात करेंगे। आई होप एक धमाकेदार सी न्यूज़ भी तुम सबके सबके लिए मैं लेकर आऊँगा, तो नेक्स्ट संडे का वेट करना, और संडे नहीं हो पाया तो मंडे का वेट करना। मैं ज़रूर तुम सबके साथ मैं हर बार लाइव चैट तो करूँगा ही करूँगा, भले ही हर हफ्ते में एक बार करूँ या 2 हफ्ते में 1 बार या जब भी टाइम मिलेगा तब भी ऐसा करके। तो तब तक के लिए तुम सब अपना ध्यान रखो, और बहुत सारा प्यार है तुम सबको, आई लव यू एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय। नहीं यार मैंने बहुत टाइम से ना मैंने आई लव यू नहीं सुना तुम सबसे, तो मैं पहले तुम सबसे आई लव यू सुनना चाहता हूँ, उसके बाद में जाऊँगा। ठीक है, आई लव यू बोल सकते हो, आई लव यू टू बोल सकते हो, खुद के तरीके से बोल सकते हो, अपने प्यार का इजहार कर सकते हो, पर करना जरूर है, उसके बाद में ही मैं जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो तानिया कह रही है कैन आई प्लीज पुल योर चीक्स व्हेन यू मीट नेक्स्ट, तेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है, डन। और नील ने कहा आई लव यू मोर, तानिया कह रही है बाय लव यू। हाँ आकाश गुप्ता कह रहे हैं ओके बाय बाय ब्रो, आई लव यू टू आकाश भाई। तो निकिता को कह रही आई लव यू टू निकिता, आई लव यू। चलो अब मेरे जाने मानो टाइम है जाने का, सो सी यू सून नेक्स्ट संडे को। ठीक है, तब तक ले बाय।